हेलो एवरीवन, आज हम बनाने वाले हैं रागी का डोसा। रागी का बहुत ही टेस्टी हेल्दी डोसा बनाने के लिए सबसे पहले हमने आधा कप उड़द की दाल ली है। इसको हमें एक दो बार पानी से धोने के बाद में ओवरनाइट सोक करने के लिए रखना है इसको। और इसको रात भर सोक करने से ये भी फ़ायदा होता है कि डोसे का जो टेस्ट आता है काफ़ी अच्छा लगता है खाने में। उड़द की दाल को डालने की वजह से रागी का डोसा बहुत अच्छे से बन के रेडी होता है, क्रिस्पी भी अच्छा बनता है, जिस वजह से हमने उड़द की दाल इस्तेमाल करी है। पानी को फेंक दिया हमने, और आप चाहें तो इसके अंदर सोक करते टाइम पे तिल इस्तेमाल कर सकते हैं, मेथी इस्तेमाल कर सकते हैं, और फ्लैक्स सीड जिसे हम लोग अलसी बोलते हैं उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे हमने वीडियोस बनाए जिसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें ऐड करी, लेकिन इस टाइम पर हमने सिर्फ उड़द की दाल ऐड करी है। और इसको आप देख सकते हैं पानी डाल के, एक कप पानी डाल के हमने एकदम फाइन सा पेस्ट बना लिया है। काफ़ी इसमें बबल्स दिख रहे हैं, इसमें ये अच्छे से फर्मेंट भी हो चुका है। जब सोक करते हैं ओवरनाइट तो हल्का सा ही फर्मेंट भी हो जाता है दाल, उड़द की दाल स्पेशली, क्योंकि उड़द की दाल बहुत जल्दी से फर्मेंट होना स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं उड़द की दाल रेडी हो चुकी है। इसमें डालेंगे एक कप रागी का आटा, साथ में डालेंगे नमक, और अच्छी तरीके से इसे फेंट लेना है हमें। हो सके तो पानी स्टार्टिंग में मत डालिए, पहले अच्छे से फेंट लीजिए, उसके बाद पानी अगर कम लगे तब ऐड कीजिए, क्योंकि बैटर में थोड़ा सा थिक बनाना है। बहुत पतला बैटर हो जाएगा तो इसका डोसे कीजिएगा इसका चीला बन जाएगा, मीन्स बहुत ही सॉफ्ट सा डोसा बनेगा, वो खाने में नहीं अच्छा लगता है फिर। तो इसको अच्छे से फेंटेंगे, एंड में लगेगा तो थोड़ा सा पानी हमने ऐड कर दिया है। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर आपके पास टाइम है तो इसको कम से कम एक दो घंटे के लिए कवर करके रख दीजिए पूरे बैटर को, ताकि काफ़ी टेस्टी सा डोसा बन के रेडी होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बैटर अच्छा सा बन के रेडी हो चुका है। अब चलिए बनाते हैं इसका डोसा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो तवा रेडी करना ज़रूरी है, इसका टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा तवा गर्म है तब भी डोसा नहीं अच्छा बनता है, और ठंडा तवा है तो डोसा चिपक जाएगा, फिर वो अच्छा नहीं बनेगा। तो यहाँ पे अगर बहुत गर्म है तो पानी के छींटे डालिए, हल्का से ग्रीस कर लीजिए, तो बहुत ही परफेक्ट डोसा बन के रेडी होता है। और इस तरीके से हमें बैटर डालना है, ऐसे फैला लेना है, और वेट करेंगे। मीडियम लो फ्लेम पर हमें गैस रखनी है, जब तक ऊपर हल्का हल्का सा आपको गुलाबी सा दिखने लग जाएगा तब तक इसे हमें सेक लेना है। जितना ये सिकेगा अच्छे सा उतना ही क्रिस्पी बन के रेडी होता है। और थोड़ा सा बटर लगाएंगे और बस हमारा बहुत ही टेस्टी सा डोसा बन के रेडी हो जाता है। सर्व करेंगे गर्मा गर्म, और साथ में सूखी चटनी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो आप दोनों रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। और अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ में। कुक विद शीवा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट हेल्दी रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।